दोस्त हॉबीज फिल्में करने वाले जैकी श्रॉफ बोले, टाइगर के पिता के रूप में अब मेरी पहचान। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ का करियर इन दिनों बुलंदियों पर है। टाइगर का डांस और उनकी फिजिक्स उन्हें दूसरे एक्टर्स से अलग करती है। यही वजह है कि टाइगर यंग जनरेशन के सबसे पसंदीदा एक्टर्स में शुमार हैं। ऋतिक रोशन संग वॉर के ट्रेलर में टाइगर के एक्शन को जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। अब एक फैशन मैगजीन के सितंबर में जारी होने वाले एडिशन के कवर पेज पर टाइगर की फोटो नजर आई। फैशन मैगजीन के कवर फोटो पर टाइगर श्रॉफ काफी हैंडसम लग रहे हैं। फैंस को भी टाइगर का ये लुक काफी पसंद आ रहा है। टाइगर की इन उपलब्धियों पर उनके पिता जैकी श्रॉफ खुश होने के साथ काफी गर्व भी महसूस करते हैं। बॉलीवुड में बीडू के नाम से फेमस जैकी श्रॉफ ने हाल ही में मुंबई मिरर को बताया कि टाइगर के पिता होने पर उन्हें कैसा महसूस होता है। जैकी श्रॉफ का मानना है कि उनके बेटे टाइगर अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में हैं। जैकी श्रॉफ का यह भी कहना है कि टाइगर अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। टाइगर सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे छोटे एक्शन हीरो हैं। जैकी श्रॉफ ने ये भी बताया कि बॉलीवुड में कई फिल्में करने के बाद भी उन्हें टाइगर श्रॉफ के फादर के रूप में जाना जाता है। जैकी श्रॉफ ने कहा, मेरा बेटा दुनिया का सबसे छोटा एक्शन हीरो है। आज मुझे टाइगर के बाप के नाम से जाना जाता है। 220 फिल्में करने के बाद भी मुझे टाइगर का बाप कहा जाता है। बता दें कि जैकी श्रॉफ हाल ही में प्रभास और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म साहो में दिखाई दे रहे हैं। अब जैकी जल्द ही प्रस्थानम में नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर टाइगर श्रॉफ वॉर में दिखाई देंगे। इस फिल्म में टाइगर के साथ ऋतिक रोशन लीड रोल में है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी।